करियो कद्दूकस कद्दूकस पहली बार बना रही हूँ गाजर का हलवा। नसीब होगा इंशाल्लाह। ये जल्दी सर्दी हो रही है ना, ऐसे नहीं हाथ कट जाएगा, इसको लंबा रखो बस ऐसे। और जब करीब पहुंच जाओ ना कटर का तो छोड़ देना, नहीं करते रहो जी। इतनी डर गाजर दिखा के दिखाओ, 5,000 दूंगा हाथ। बर्फ हुई हुई है, निकालो पहले। बर्फ हुई हुई है, बर्फ। नाजरीन देखो मैंने फाइनली फ्रिज निकाल ही दिया कमरे से। हाँ सब कह रहे थे कि ससुराल में फ्रिज है तो अपना क्यों निकाला। ये देखो ये छोटी सी है, इसमें वही सब्जी पूरी नहीं आती जो अब्बू मैं वीकली लेके आते हैं, फिर वो भी आधी इधर उधर ट्रांसफर हो रही होती है, इसलिए मैंने अपना खोला। बाकी झूला यहाँ, हाँ वो तो भाभी का है ना, और वो सोफा हमने यहाँ कर दिया। हो गई गाजर का हलवा तैयार। सारी मेहनत मियाँ की, नाम मेरा। बहुत अच्छा है। रेसिपी रिकॉर्ड की नहीं, ये फर्स्ट टाइम था। अगली बार रेसिपी रिकॉर्ड करूंगी। रेसिपी क्या, मेरे को आती है सब चीजें काम करने को। हाँ, तो मतलब एक रेसिपी होती है ना किसी चीज के, आप लोगों को कैसे बताओगे आपने कैसे बनाया है। मर्द के हाथ में अल्लाह ने नेचुरली खूबसूरती और हुनर डाला है। हाँ तो आप वो अपना हुनर कैसे बताएंगे आगे। लड़कियां मर्द से मेकअप क्यों करवाती है बताओ, मर्दों से। मैं क्या कह रही हूँ, अपने बताओगे कैसे आगे रेसिपी। बस जैसे तुम खा के नेक्स्ट टाइम बना के ना। हाँ बस नेक्स्ट टाइम बनाओगे ये डन करो मुझसे। डन करूँगा। सही है, खा के बताओ कैसी है। बहुत अच्छा है। इसमें इसलिए डाला है ताकि गर्म रहे इस बर्तन में। हाँ ना, इसमें गर्म रहेगा ना देर तक, सर्दी है ना। शाहजू सो रहा है। चाय पिए। ये बहुत ज्यादा सुस्ती चढ़ गई है। कोई चादर है? अबे कोई चादर दो, मैं देख के करूं ना। तो बैठ जाओ, आपने वैसे भी आप पेट वगैरह आगे पीछे होगा, गंदा होना है। इतना खूबसूरत लग रहा मैं। हाँ मैं फिर से खूबसूरत बना दूंगी, मैंने बनाया ना खूबसूरत। टी शर्ट किसकी है, मेरी है ना। बैठो आराम से, आ जाओगे इस जगह में। देखो जरा, हाँ आ गया। बेबी इज हियर। हो शाहजब को भी तैयार करना है मैंने, अभी ये चिड़चिड़ा हुआ है। शाहजब के लिए लगाए थे मैंने मोटू पतलू, देखने लग गए उसके अब्बा, साथ में मैं भी देखने लग गई। मैं चाय पी रही हूँ बैठ के मजे से, मियाँ जी भी देख रहे हो। अब शाहजब को आया गुस्सा के, इधर ना मुझे क्यों नहीं ले रहे, जो रोना स्टार्ट किया। क्या मोटू पतलू गए बाहर में, शाहजब गोद में। नहीं नहीं मैं नहीं तोड़ी, गलती से टूटा है। क्लास लेके आओ। नहीं एक काम करते हुए मुझे 100 काम दे देते अपने एक काम के चक्कर में। दादा लेके आओ मियाँ जी। ये काम में 100 काम बिगाड़ वाली तुम ही हो। हाथ में आ गया वो। मैं 100 काम खोल लिया, बच गया। क्लास ये लो, क्लास स्टार्ट हो गया है। क्या कर रहे हो आप इस एक काम के चक्कर में, देखना मुझे 100 काम मिलेंगे। ये भी इस मेरे को प्लेट में फिटर, ये धुलेगा। मैं पोछा नहीं दूँ ना बाहर का, मेरा काम चेंज हो गया। ये पूरा हॉल, ये सारी सफाई मेरे जिम्मे। एक मिनट रही है क्या, एक दो निकला है, तीन निकला हुआ है नीचे। नहीं नए वाले नहीं चाहिए, वो मेरे जहेज के थोड़ी होंगे, वो हिल रही करके। बिस्मिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, नहीं नहीं करे करे काम करवाओ ना। भाग रही हूँ, पूरा हॉल सहन सब साफ करके आई हूँ। 5 मिनट तो रेस्ट, 5 मिनट तो रेस्ट करूँ तो आप जब वापस आओगे तब तक ऐसे का ऐसे ही होगा। ये ऐसे कैसे नहीं देखा ना, पता है ये ऐसे का ऐसे ही होगा। ये आपको ही सही करना है, मैं कैसे करूंगी। ये बिल्डिंग बिल्डिंग्स को कौन आगे पीछे करेगा ना। ये सॉक्स, मैं बड़ी टार्जन बन के घूम रही थी, मैं हंसी आए कह रही है सॉक्स पहन। ये पकड़।
शाहजब की गाड़ी, इस पे लिखना चाहिए क्या नाम है इसका, शाहजब की गाड़ी, एबीसी गाड़ी। आप कहाँ चले गए? आऊंगा एसी की तार निकालूंगा। ओ एसी मतलब आप कभी नहीं चलेगा? नहीं, गर्मियों में क्या करेंगे? मेरा थोड़ी मसला, एसी हमेशा के लिए खत्म। खत्म जी, गर्मियों में अपनी हालत देखिए, मार्च आते ही लगा रहे होगे ये तार वापस। आजब इतना प्यारा है, आराम से सो रहा है कि मम्मा आप लोग आराम से सफाई वफाई कर लो, मैं सो रहा हूँ, जब काम शाम हो जाए मुझे बता देना, मैं उठ जाऊंगा। ये तुम्हें आराम देता है, मैंने बहुत नोट किया। मेरा कोई काम हो तो शायद मैं और अपने अब्बा के काम में, ये देखो जरा फुल गहरी नींद में सो रहा है, आंखें भी ऊपर चढ़ी हुई है। मार खाएगा मुझे से। मार खाएगा, मिट्टी लग गई मियाँ हुडी पे, पट्टे वाली। अब ये सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी वापस, ये सब तो इसलिए रखी थी बास्केट वगैरह इसमें कि नज़र नहीं आएंगी ये चीज़ें, अब ये नज़र आएंगी तो सेट करना पड़ेगा फिर से। मेरे लिए काम आ रहा है, आ जाओ आ जाओ यार आ जाओ। मेरा मियाँ आ गया मैदान में, हो जमालो। ओ मियाँ आ गया मैदान में, हो जमालो। अब आ जा पकड़ ले। मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं भाग गया ना। जल्दी सफाई करो, जल्दी सफाई करो। तो यहाँ पर ये बेड तकरीबन सेंटर में आ गया है और वर्कर की फरमाइश थी कि प्यार भरे गाने लगाओ, तो अब यहाँ पे परदेसी चलाया है। चलो शाहजब को उसकी दादी ले गई, पकड़ू कहो मेरी बीवी आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं कर सकता। शाहजब ने बहुत रोना धोना मचा दिया था, फाइनली अब ये मेरी बोलू। शाहजब साफ सुथरे बिल्कुल टिप टॉप तैयार होके रहते, ये कौन है आज? हटो, क्यों? आइए आइए जी, आइए। स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार, अब बेड लग रहा है ना बड़ा बड़ा साइड टेबल्स के साथ। अरे बखेड़े में मैं जा रही हूँ शाहजब को नहलाने, जी जा रही हूँ। चले नहीं चिड़ा हुआ ये, भले रोए, नहलाना है भाई। कहाँ तक पहुंची? बस से सफाई करो नीचे की, हो गया सब? सब हो गया, ऊपर से देखो, मतलब सेटिंग यहाँ पे हो गई है पूरी। हाँ तो एक बार फिर से रूम टूर हो जाए। रूम टूर होगा, पहले सफाई पे लुक तो आए तभी तो कह रही हूँ, अभी थोड़ी हो रहा है। साफ सफाई करके करो इस व्लॉग का एंड करें फिर। कितने मिनट हो गया? अभी सफाई तो करो, मिनट से चलते हैं मियाँ जी। सब कहते हैं बड़े बड़े व्लॉग्स बनाए करो, आपका कितना मिनट है अंदाजा है? कितने मिनट हो? 4 मिनट का हो गया। 4 मिनट बिना चारों दो सफाई करो, ये सारा ये अभी लुक आएगा। शाहजब को हिला धुला के सुला के रख दिया है मैंने, हसीब भाई के रूम में सो रहा है वो। मामी कह रही है चूहा है कमरे में, मैंने कहा चूहा इसको नहीं खाएगा। चलो चलो जल्दी करो, ठीक है? काम हुआ नहीं और तुम्हें तो भूख लगने लग गई है। भूख लगी मजदूर, ये भी तो बहुत काम रहता है। आलू पकोड़ा, आलू कचौड़ी पकोड़ा है, कचौड़ी है, अच्छा है। चलो खाओ खाओ एंजॉय करो। मायती है बाबा। हाँ जनाब, तो कितनी देर लगेगी सफाई करने में? हैं 10 मिनट ये रख दो दराज में, अभी लुक आएगा दिखाएंगे फिर। बेडशीट वेडशीट नहीं लगाओ, इन जूतों की जगह बता दो कहाँ है। मैं इसे शेल बनवाऊंगा जो यहाँ पे रखेंगे अपन, शूज आ जाएंगे। मेरे शूज जो है ना इधर उधर घूम रहे हैं, वो जो दराज वाला शेल बनवाऊंगा बस, इसे खोलोगी ना वो सारे शेल, मतलब कम से कम उसमें कितने होंगे, 15 शूज रख सकते हैं। अच्छा कितना है शूज?
कील ठोकनी पड़ेगी आपके वॉल पेपर पर, कील पर लटकता है वो, कील पे नहीं लटकेगा वो, कील पर लटकेगा। तो मोल से ले लेते जो 5,000 का, कौन सा जो उधर वो आर्टिफिशियल है जो, वो भी कील से ही लगते हैं दीवार में, वो भी जो प्लास्टिक के थे जी। तो आप कील नहीं ठोक सकते एक वहाँ पे? हाँ तो कील में 10 कील ठोक लूंगा, एक कील में क्या है 10 कील ठोकूंगा, चल बस क्या दिल दुखेगा क्या वॉल पेपर में कील लेके। सही है, क्या मिलिया मार्केट से? मैं बहुत थक गई हूँ, इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।